कराची, ये है कराची और यहाँ रहते हैं हम दोनों, यानी असद और काशिफ। हमने सोचा कि क्यों ना कराची शहर पे एक व्लॉग बनाया जाए, और जब बात आई व्लॉग बनाने की तो क्यों ना शुरुआत केपीएल से की जाए। अब केपीएल क्या है ये जानने के लिए आपको ये व्लॉग देखना पड़ेगा, तो देख लो, अच्छा है। ओके, तो बहुत दिनों से हम ऑन स्क्रीन नहीं आ रहे थे। बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा है कि आप आखिर कहाँ हैं, क्यों नहीं आ रहे, और इतने टाइम हो गए, एक महीना हो गया तकरीबन सर। अब लोगों को बताना पड़ेगा कि हम कहाँ हैं। हम आए हुए हैं केपीएल कराची प्रीमियर लीग, जो कि हो रही है असगर अली शाह स्टेडियम नाजमाबाद कराची में, और हम ग्राउंड पे मौजूद हैं और आपको दिखाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। जज्ब से उजाड़ देंगे, धोबी पछाड़ देंगे, मंचलों की बात है कोई बोली ना जात है। फाइनली हम बैठे हुए हैं ग्राउंड के बीचों बीच, और इस वक्त हम मौजूद हैं असगर अली शाह स्टेडियम में, और यहाँ पर हो रहा है कराची, नाजमाबाद कराची, और यहाँ पर हो रहा है द केपीएल कराची प्रीमियर लीग। बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है बदर एक्सपो ने, और साथ साथ कोलैबोरेशन किया है क्रिएटिव प्लानिंग। हाँ जी, मैच तो चल रहा है लेकिन देखते हैं जीतता कौन है, और लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी बात वो ये है कि जिस तरीके से मैच आप तक पहुंचता है, आए हम वो जगह आपको दिखाते हैं। आज इन्होंने नर्व सेंटर बनाया हुआ है इधर, मैच ऑफिशियल्स नो एंट्री विदाउट परमिशन, लेकिन हमें किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं। आइए जी, ये नर्व सेंटर बनाया हुआ है बदर एक्सपो वालों ने, और यहाँ पे लोग सारे काम कर रहे हैं, जो कि आए हम मिलवाते हैं लोगों से। अब ये देखते हैं, अभी तो ये वाली जो मैच है ये अभी स्टार्ट हुआ है, और इस इनिंग में क्या स्कोर करते हैं और क्या वो चेज करते हैं, क्या टारगेट देंगे वो फिर देखते हैं क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग अभी तो सिचुएशन हो गई। मेरे ख्याल से सर जो है वो चाय का टाइम तो हो गया। बिल्कुल बिल्कुल हो गया। और अगर आप कहीं आए और ऐसी जगह पर और चाय ना पिए तो मज़ा नहीं आता। मज़ा नहीं आता तो शाबे भाई चाय जी। नहीं बिल्कुल 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 चाय हो जाए, और बिल्कुल मैंने आपके लिए हमारे पास स्पॉन्सर है, तो ये ओके, ये फ्री कोपन हमें दे रहे हैं वाइटल टी की तरफ से, आप चाय एंजॉय करें। तो ये वाइटल टी भाई, ये वाइटल टी जो है हमारी स्पॉन्सर है, तो आए चले चाय पीते हैं और देखते हैं कैसी चाय। अरे अरे अरे, एक स्पेशल पर्सनैलिटी हमें मिल गए। ये बहुत मशहूर एक बंदे हैं जिनको लोग ढूंढते हैं, वो हमें यहाँ मिल गए। कुछ तो बताए, एक्साइटमेंट, कोई फेवरेट टीम नहीं तो इस तरीके से इस इवेंट के हवाले से किसी और से ले लेना। अरे हमें आपसे चाहिए, यही मसला है इनका, ये बताते नहीं है चीजें। फिलहाल से ले लेता हूँ, इस्पाक भाई चाहिए हमें। बताइए बताइए प्लीज प्लीज प्लीज, कुछ तो बताएं, कुछ तो बताएं, मजा आ रहा है। अच्छा आपका बात छोड़ देना, कोई फेवरेट टीम कोई भी नहीं, कोई भी न्यूट्रल चल रहा है। चले चले चले, थैंक यू। आ चुके हैं ग्राउंड के अंदर, और ग्राउंड के अंदर जैसे आप देख सकते हैं कि ओह माय गॉड, ये कौन है, ये कौन जा रहा है पीछे, ये कौन है पीछे, ओह माय गॉड, ये कौन है। अस्सलाम वालेकुम,
आपके पास आए थे अचानक, आप हमें दिखे तो हम भी शॉक हो गए अचानक ना, पॉज लग गया हम दोनों, ये कौन है तो क्या सीन है इसका, जरा इसके बारे में क्या चल रहा है। बस बेसिकली ये कराची प्रीमियर लीग हम लोग करवा रहे थे यहाँ पर, बेसिकली इसका पर्पज़ ये था कि हम कराची के टैलेंट को बाहर निकालें, और जैसे TSL जैसे टूर्नामेंट होते हैं नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर, वहाँ पर ज़रा क्रिकेट को हमारे और नया टैलेंट मिले और बेहतर टैलेंट मिले, तो उसके लिए थोड़ा सा हम लोग काम कर रहे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह अब बिल्कुल एडेंट के ऊपर है, दो चार दिन में फाइनल है इसका। नहीं वो तो हम भी देख रहे हैं कि बड़ा अच्छा माहौल बना हुआ है, हम लोग घूमे काशीपुर में काफ़ी इधर उधर, आपका वो नर्व सेंटर घुमाया, वहाँ पे टीम में से मिले हम लोग। लेकिन आप मुझे बताएं इतने बड़े सेटअप के पीछे चैलेंजेस कितने फेस किए? इतने ही बड़े चैलेंजेस हैं, जितना बड़ा सेटअप दिख रहा है उतने ही चैलेंजेस हैं और उतने ही मामला थे, और काफ़ी अरसे से हम लोग कोशिश कर रहे थे इसके ऊपर, इसमें थोड़े से कुछ प्रॉब्लम्स आई हमको, उसको थोड़ा सा डिले करना पड़ा, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली हो गया अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत अच्छे से हो रहा है। और अब ज़रा कुछ फाइट आ रही है टीम्स के अंदर, कुछ टीम्स इसके अंदर अब ज़रा कम हो गई है। फेवरेट टीम कौन सी है? यार ये कान ने बताने वाली बात है, वैसे तो इस वक्त कॉम्पिटिशन उतना नेक टू नेक चल रहा है कि इसके बारे में कह नहीं सकते कि कौन सी टीम है, मगर तीन चार टीमें हैं टॉप की जिनके अंदर मुकाबला इस वक्त है, जिसमें से एक नॉर्थ की है, एक गुलशन की है जिसको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ पर्सनली, दूसरी एक हमारे पास लियारी की टीम है, और हमारे पास एक FB एरिया टाइगर्स की टीम है। ये टॉप फोर टीम्स हैं इस वक्त लीडर बोर्ड के ऊपर, जो कि जिनके बारे में चांसेस हैं कि ये सेमीफाइनल्स खेलेंगे, और इन्हीं में से इंशाल्लाह कोई फाइनल लेकर जाती है। तो अभी ये सिर्फ ऐसी अभी तक की स्टेटस है, हो सकता है जब तक आप लोग ये चलाएं और पब्लिक तक पहुँचाएं तब तक स्टेटस चेंज हो सके। KPL इंशाल्लाह ये मैं ये देखता हूँ कि ये पाकिस्तान की एक बड़ी लीग बननी चाहिए, जो कि जिसमें हमारे नेशनल प्लेयर्स इसके साथ इसमें सारा इंटरेस्ट शो करें, वो आके इसमें क्रिकेट खेलें, इसके साथ साथ जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको आके इसमें सपोर्ट करें, क्योंकि यही होता है कि जब हम अपने PSL की बात करते हैं तो उसके अंदर इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं और वो हमारे यंगस्टर्स के साथ खेलते हैं जो इस वक्त अच्छी जिसमें ग्रेड वन ग्रेड टू है, या उसमें जो हमारे नेशनल प्लेयर्स हैं वो सारे उसमें खेल रहे होते हैं, तो वो सीनियर्स प्लेयर्स आते हैं तो वो उनकी टेक्निक्स और चीज़ों को सेट कर रहे होते हैं। इसी तरीके से जब हमारे ये बिल्कुल ग्रास रूट लेवल के ऊपर ये जो क्रिकेट हो रही है इसमें जो हमारे यंग्स सीनियर्स प्लेयर्स आएँ, जिसमें मोहम्मद शमी थे, सोहेल खान है, इसी तरीके से फवाद आलम है, इसी तरीके से रमी जाजा जूनियर है, और जो बड़े नाम हैं वो उनके हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए एक इतना वो इतने खुश हैं इस वक्त इन लोगों के साथ खेल के कि उनकी फ्यूचर के अंदर जो टेक्निक्स हैं, चीज़ें हैं, जो उनकी गलतियाँ हैं वो सेट होंगी। तो यही एक आपके पास एक क्रिकेट होती है जिसके अंदर कि सीनियर्स प्लेयर्स का ही काम होता है, नेशनल प्लेयर्स का काम होता है कि वो आएँ और जो उस इस लेवल के ऊपर टैलेंट को जो है ऊपर आगे लेके जाएं। खेल का मकसद तो जीत और हार है, इस हार में भी प्यार है, देख ले तू आसमां के। तो नाज़रीन मैच हो चुका है ख़त्म और बहुत मज़ा आया आज के इवेंट में। बदर एक्सपो ने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया मैच को, बाकी हमारे तमाम स्पॉन्सर्स ने बहुत अच्छे तरीके से तमाम इवेंट को जो है वह हैंडल किया। अच्छा इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई आ जाएँ, क्या कर रहे हैं? आप हमारे चैनल को और जितने भी लिंक्स आ रहे हैं उन सबको आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। और 12 तारीख को फाइनल है असगर अली शाह स्टेडियम नाज़माबाद कराची में, आए हमसे मिलें, और भी कुछ लोग होंगे यहाँ पे जिनसे मिल के आपको बहुत खुशी होगी, तो हम आपका इंतज़ार करेंगे 12 तारीख सैटरडे को फाइनल में। अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।